गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है किसी विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या मत है, जनमत संग्रह उसे बोला जाता है रेफरेंडम। रेफरेंडम के सिनोनिम्स है वोट, पोल, इलेक्शन, मैंडेट, बैलेटिंग, एंटोनिम्स है टेबल, एब्सटेन, एंटीपैथी और कंस्ट्रेंट। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई मुश्किल जिससे निपटना काफ़ी मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े, उसे बोला गया है फॉर्मिडेबल, विकट या डर पैदा करने वाला। फॉर्मिडेबल के सिनोनिम्स है माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी, आर्डुअस। एंटोनिम्स है वीक, हार्मलेस, ईजी और फीबल। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है वारिस या फिर उत्तराधिकारी, उसे बोला गया है सक्सेसर। सिनोनिम से हेयर, डिसेंडेंट, रिप्लेसमेंट, बेनिफिशियरी। एंटोनिम से प्रीडिसेसर, एंसेस्टर, साइन और एंटीसेसर। एंटीसेसर यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। आज ज़्यादा वकैब नहीं है एडिटोरियल में, आप अभी तक तो एडिटोरियल पढ़ चुके होंगे तो ज़्यादा वकैबलरी आज नहीं थी। दूसरे एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टिंग। सिनोनिम से कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम से एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एमिड, एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में या किसी बात के मध्य में कोई बात हो रही है के दौरान या मध्य में, उसे बोला गया है एमिड। सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, amidst, ड्यूरिंग। एंटोनिम से बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे। डूम एंड ग्लूम, ये वर्ड यहाँ पे idiom की तरह यूज हुआ है। डूम एंड ग्लूम का मतलब होता है निराशा की स्थिति, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से डेस्पोंडेंसी। ये न्यू वर्ड, ये भी वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, डेस्पोंडेंसी। अ जनरल फीलिंग ऑफ पेसिमिज्म और डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का भी वही मतलब होता है, निराशा, किसी तरह की मायूसी, खिन्नता, तो उसे बोला गया है idiom में डूम एंड ग्लूम। सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग भी फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है, ये भी idiom होता है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरण जागना, एकदम पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, उसे बोला गया है सिल्वर लाइनिंग या फिर राहत मिलना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग। अफार क्राई, ये वर्ड भी idiom की तरह यूज हुआ है। अफार क्राई का मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होना, बहुत ज़्यादा अलग होना, भिन्न होना, उसे बोला गया है अफार क्राई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ascribed। ascribed का मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना, संबंध बताना किसी चीज़ का, किसी के बारे में कारण बताना, उसे बोला गया है ascribed। ascribed के synonyms है attributing, assign, awarding, granting और giving। antonyms है revealing, ban, beg और deny। resilient, रेजिलियंट का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव को सहने में एकदम समर्थ होना, लचीला होना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, टफ रहना, पावरफुल, उसे बोला गया है रेजिलियंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल, स्टेबल। एंटोनिम्स है फ्रजाइल, डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। शोरिंग अप, शोरिंग अप का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। शोरिंग अप का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, सहारा देना, किसी को स्ट्रेंथन करना, उसे बोला गया है शोरिंग अप। सिनोनिम्स है सपोर्ट, रेनफोर्स, बोल्स्टर, स्ट्रेंथन। एंटोनिम्स है अबंडन, एक्सटर्मिनेट, सप्रेस और डिक्रीज। हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब होता है एकदम विपरीत परिस्थितियां होना, एकदम बहुत एडवर्स सिचुएशंस हैं उन्हें बोला जाता है हेडविंड्स या फिर विपरीत हवा का झोंका। हेडविंड्स के सिनोनिम्स है एडवर्स, वाइंड, विंड, एयर जिसको बोलते हैं विंड, क्रॉस विंड, ब्रीज और एयर। एंटोनिम्स है डाउन विंड, ब्लो, काम और टेल विंड। टेंडम, ये लास्ट वर्ड है आज का एडिटोरियल में, वर्ड हुआ है यूज इन टेंडम, आई एन इन और टेंडम। इन टेंडम का मतलब होता है क्रमबद्धता से या एक के बाद एक किसी प्रक्रिया का होना, किसी काम का होना क्रमबद्धता में, उसे बोला गया है टेंडम। सिनोनिम्स है टीम, पेयर, स्पैन, बाइसाइकिल, बिल्ट फॉर टू। एंटोनिम्स है सिंगल, अलोन, ऑल अलोन और अपार्ट।
ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे और कुछ एक वर्ड्स आपके रिपीट भी हुए होंगे, रिवाइज भी हुए होंगे। आज काफ़ी देर हो गया वोकैबुलरी अपलोड करने में, ऑलमोस्ट अब 6-7 घंटे ही हो गया है। आपने वोकैबुलरी कहीं से फिर भी पढ़ लिया होगा, एडिटोरियल भी पढ़ लिया होगा आपने आज का। मुझे थोड़ा काम था जिस वजह से मैं सुबह एडिटोरियल में एक्चुअली सफ़र में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। इस कारण से सुबह आपको अर्ली नहीं मिल पाया सेशन वीडियो वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।